हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज गणेश चतुर्थी के दिन हम बना रहे हैं गणेश जी के लिए स्पेशली उनका फेवरेट प्रसाद, जो कि हमारे उड़िया में बहुत ही फेमस है, चूड़ा घोसा। और उसके सारे इंग्रेडिएंट आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें कि ये है पोहा, हम लोग चूड़ा बोलते हैं, आप इसे पोहा प्रसाद भी बोल सकते हैं। एक मीडियम बाउल पोहा आप लेंगे, कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट स्मॉल बाउल, हाफ स्मॉल बाउल शुगर पाउडर, 2 to 3 स्पून घी एंड पेपर एंड कार्डमम पाउडर 1 टीस्पून। तो चलिए अब हम बनाते हैं। पहले हम जो ये पोहा है इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, कोसली ग्राइंड करना है। इसे थोड़ा सा और ग्राइंड करेंगे। ये जो अभी इतना हुआ है इसको एक और बार ग्राइंड करेंगे। तो आपका जो ग्राइंड हुआ हुआ पोहा है वो इस तरह से दिखेगा। पूरा पाउडर नहीं करना है आपको, इसको हम बाउल में डाल देंगे। अब हम इसे बाउल में डाल देंगे। और अब एक खुले थाली में, जिसमें कि आप प्रसाद बनाएंगे, इसमें एक्चुअली इजी होता है आपको मिक्स करने में। अब आप जो घी है इसे इसमें मिक्स कर देंगे। और चीनी आधा ही डालिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में और डाल सकते हैं। अब इसको दोनों हाथों से हमें मिक्स करना है, इस तरह से रब करें सो दैट अच्छे से मिक्स हो जाए। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 मिनट रब करना है, सो दैट पूरा घी और चीनी पोहा में, चूड़ा जिसे बोलते हैं उड़िया में, उसमें मिक्स हो जाए। और ये देखिए, ये आपका मिक्स हो गया है। अब हम इसमें जो पाउडर है, पेपर पाउडर और कार्डमम पाउडर, इसे भी मिक्स कर देंगे। इसे भी आप दोनों हाथ से मिक्स करें। ऐसे मिक्स करने से ये इवनली सब जगह मिल जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। ये हमारे यहाँ तो बहुत ही फेमस है ये। अब आप जो नारियल है इसे इसमें मिक्स कर दें। बस इस तरह। ये आपका प्रसाद तैयार हो गया। तो ये आप देख सकते हैं प्रसाद बन के तैयार हो चुका है। मैंने इसे थोड़ा सा और कोकोनट ऊपर से डाल के डेकोरेट किया है। ये मैंने पहले ही प्रसाद बना के भोग लगाया था। और आप इसे बनाएं घर पे और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताएं आपको कैसा लगा। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल।